बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। गर्मी बहुत ज्यादा है तो इस गर्मी के मौसम में प्यास की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो ये जो ड्रिंक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये आपकी प्यास की शिद्दत को दूर करता है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, गर्मियों के लिए ये बेस्ट है। ये ड्रिंक आपके जिस्म में खून पैदा करता है। अगर आपके सर में गर्मी की वजह से या किसी और वजह से शदीद दर्द हो रही हो तो ये जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत बेस्ट जूस है। तो चलिए आपका टाइम जाया किए बिना अपने रिफ्रेशिंग से ड्रिंक की तरफ चलते हैं। इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे लेंगे, ये हमारे पास फालसा है, तकरीबन एक पाव के करीब हमने फालसा ले रखा है। इसको अच्छे तरीके से पहले धो लिया हुआ है। सीजनल फ्रूट है और सीजनल फ्रूट जो होते हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं आपकी सेहत के लिए, इसलिए आप जरूर सीजनल फ्रूट खाया करें। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक अदद ब्लेंडर जग और इसमें हम ये फालसा ऐड करेंगे। इसको अच्छे से धो लिया हुआ है। फालसे को ऐड करने के बाद 3 टेबलस्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे और ये है जी हमारे पास 10 से 12 अदद पुदीने की पत्तियां, इनको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया हुआ है। पुदीने की पत्तियां ऐड करने से बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। अब हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे और 1 गिलास के बराबर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मशीन को हम ऑन करेंगे और जबरदस्त सा जूस तैयार कर लेंगे। आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ताकि बीज जो है वो अलग हो जाएं। और अब हम बॉल लेंगे, इसमें स्ट्रेनर रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। सर्विंग के लिए यहाँ पर हम 2 सर्विंग मग लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे आइस क्यूब, साथ ही ऐड करेंगे फालसा जूस जो कि स्ट्रेन करके रखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमारा जो है वो बनके हो चुका हुआ है तैयार। जब तक गर्मी का मौसम है इसका 1 गिलास खाली पेट आप इस्तेमाल करें, सारा दिन आपके जिस्म पर गर्मी असर बिल्कुल भी नहीं करेगी। गर्मी के बुखार को फौरन ठीक करने के लिए ये बहुत बेस्ट है। मैदे और सीने की गर्मी और जलन को ये बहुत जल्दी दूर करता है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।